गरीबों का बैंकर नए मसीहा, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस। आज मोटोडॉक्स चैनल पर हम मोहम्मद यूनुस से जुड़े हुए कुछ खास बातों को जानेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के पद पर मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। इन्हें गरीबों का बैंकर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गांव-गांव में बैंक की स्थापना की और लगभग 1 करोड़ गरीबों और जिसमें भी खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। ये इस समय 84 साल के हैं। इन्होंने राजनीति में उतरने के अपने इरादे लगभग 2 दशक पहले ही दिखा दिए थे। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति हमेशा से समाज हित में काम करता है उस पर चाहे कितने भी इल्ज़ाम लगाए जाएं, वो कभी ना कभी लोगों के सामने ज़रूर आते ही हैं। और ऐसे ही हुआ कुछ मोहम्मद यूनुस के साथ। अब बात करते हैं मोहम्मद यूनुस के द्वारा खोले जाने वाले ग्रामीण बैंक और उनको मिला नोबेल पुरस्कार के बारे में। 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद यूनुस विदेश से लौट आए। उन्होंने एक महिला को बांस के सुंदर सामान बनाते हुए देखा जिसे उस वक्त करीब $5 की ज़रूरत थी। इसी से उन्हें ग्रामीण बैंक स्थापना का विचार आया और 1983 में इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। यूनुस को ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट तथा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए सन 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले बांग्लादेश के पहले व्यक्ति थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यूनुस को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की थी। इन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में भी बतौर सलाहकार के रूप में इन्हें शामिल किया गया। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार को नेतृत्व देने के लिए बेशक लौटना पड़ा हो, लेकिन पेरिस में खेलों के दौरान उनकी सलाह पर ही एथलीटों के गांव के पुनर्निवास सामाजिक आवास को एकीकृत करने जैसी पहल की गई है। 2008 में टेक्सास ने 14 जनवरी को मोहम्मद यूनुस दिवस घोषित किया था। इन्होंने नेल्सन मंडेला जी के साथ भी काम किया है। 2007 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, ग्रासा माचेल और डेसमंड टुटो ने दुनिया की कुछ सबसे कठिन समस्याओं से निपटने के लिए अपनी बुद्धि, नेतृत्व और ईमानदारी का योगदान देने के लिए दुनिया भर से नेताओं की एक बैठक बुलाई। नेल्सन मंडेला ने नए समूह द एल्डर्स के गठन की घोषणा की जिसमें यूनुस उसके संस्थापक सदस्य बने। हालांकि उन्होंने 2009 में सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब जानते हैं मोहम्मद यूनुस के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। बिल्डिंग सोशल बिजनेस, द न्यू काइंड ऑफ कैपिटलिज्म दैट सर्व्स ह्यूमैनिटीज मोस्ट प्रेसिंग नीड्स। दूसरी किताब है अ वर्ल्ड ऑफ 3 जीरोज, द न्यू इकोनॉमिक ऑफ जीरो पॉवर्टी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीरो नेट कार्बन मिशन। तीसरी किताब है बैंकर टू द पुअर, माइक्रो लैंडिंग एंड द बैटल अगेंस्ट वर्ल्ड पॉवर्टी एक्सेट्रा। अब जानते हैं इन्हें मिले कुछ अवार्ड के बारे में। किंग हुसैन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो कि इन्हें जॉर्डन में मिला सन 2000 में मिला, जिसे प्राप्त करने वाले ये पहले थे। सन 2012 में स्कॉटलैंड में ग्लासगो कैलेडोनियन विश्वविद्यालय के चांसलर बने जिस पद पर ये 2018 तक रहे। चटगांव विश्वविद्यालय में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। 1998 से 2021 तक संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के निदेशक मंडल के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो दोस्तों ये थे मोहम्मद यूनुस, गरीबों का बैंकर। इन्हें हाल ही में जो सलाहकार नियुक्त किया गया है, अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में इनकी सलाह से बांग्लादेश किन नई ऊंचाइयों को छूता है। और हम आशा करेंगे कि इनकी सलाह और इनके नेतृत्व की वजह से बांग्लादेश में कभी भी इस तरह के हिंसा या इस तरह का अशांति का माहौल कभी भी ना बने। वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर और मोटोडॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।